السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے دوستو آج آپ کو دکھاتے ہیں قطر کے اندر ایک ادارہ ہے ایجوکیشن سٹی کے نام سے, بہت بڑا ادارہ ہے ماشاءاللہ. وہاں پر ہمارے میوات کے امام رہتے ہیں قاری ابراہیم صاحب, جو ایجوکیشن سٹی کی مسجد ہے اس میں وہ امام ہیں ماشاءاللہ. ان سے ملاقات کا بھی ارادہ ہے اور ان کے ساتھ اس ادارے کی زیارت کا بھی ارادہ ہے. تو آئیے کچھ مناظر آپ کو بھی دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں, بنے رہیے گا ویڈیو میں. ابھی آپ کو جو عمارت نظر آ رہی ہے یہ بچوں کا اسپتال ہے, ایجوکیشن سٹی کے پاس ہی ہے اور بہت ہی خاص سہولیات فراہم کرتا ہے. یہاں یہ پر وہ منظر ہے ابھی آپ کے سامنے جو دکھ رہا ہے, جو کہیں نہ کہیں آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ انسان دنیا میں آنے سے پہلے کن کن مراحل سے گزرتا ہے, اس کو دکھانے کی کوشش کی گئی. ابھی پیچھے کی جانب سے دکھا رہا ہے, چلیے آپ کو دوسری جانب سے دکھاتے ہیں جہاں سے پورا منظر صاف نظر آئے گا. آپ کو دائیں بائیں جو عمارتیں دکھ رہی ہیں یہ سب اسی ادارے کی عمارتیں ہیں, اور سامنے وہ دھندلا سا جو آپ کو ایک بلڈنگ نظر آ رہی ہے وہ آفس ہے, اور یہ داخلی دروازہ ہے. چلیے پہلے قاری ابراہیم صاحب سے, یہ سامنے والی عمارت ان کا گھر ہے, ان سے پہلے ملاقات کرتے ہیں اس کے بعد پھر زیارت کرواتے ہیں. نہیں بیٹے تو الحمد للہ سات بیٹے ہیں, دو بیٹی. کم ہی بتایا میں نے, سات ہی بتایا. کیسا بھائی ایک اور یہ جڑوا ہیں دو, یہ جی ہاں ایک اندر ہے کھیل رہا ہوگا سر, ماشاءاللہ. یہ اس ادارے کی مسجد ہے اور اسی میں قاری ابراہیم صاحب نائب امام ہیں. یہ لائبریری ہے ماشاءاللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مكتبة خاصة لطلاب, هذه مكتبة خاصة لطلاب جامعة حمد بن خليفة, ففيه تقريبا كثير من الكتب والتي تحتوي من علوم مختلفة, من العلوم الإسلامية والعلوم التاريخية وغيرها كثير. فهذه الأماكن خاصة لدراسة الطلاب, وفي هنا الأجهزة الحواسيب للطلاب من الزوار, وهنا للطلاب الخاصة من الجامعة, ومتاحة لأي طالب يريد أن يرغب يدرس هنا في المكتبة. يا هديو مينار
कुरान की आयत लिखी हुई सूरह हुजरात। इस पर कुरान पाक की पूरी एक सूरत लिखी हुई है, सूरह हुजरात। तो ये मस्जिद जामे अलमदीना तालीमिया का नीचे का हिस्सा है जहाँ पे ये पांच पिलर्स दिख रहे हैं आपको। तो ये पांच पिलर्स उस बुनियाद पे बनाए हुए हैं जैसे इस्लाम की, इस्लाम के पांच अरकान हैं ना पांच। तो हर हर इसमें रुकन में क्या बोलते हैं, हर रुकन में एक आयत लिखी हुई है ख़ास। जैसे ये आयत लिखी हुई है किसकी, ये आयत यहाँ पर लिखी हुई है कुतिबा अलैकुम अस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि अल्लाह ताला ने आपके ऊपर रोज़े फ़र्ज कर दिए हैं जैसा आपसे पहले लोगों पर किए थे। तो ऐसे यहाँ पर शहादत, नमाज और हज और बाकी जो अरकान हैं सब यहाँ पर, हर पांच खम्बे में अलग अलग आयतें लिखी हुई हैं हर रुकन के ऊपर। ये लिखा हुआ है इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता, ये नमाज के बारे में लिखी हुई है, नमाज फ़र्ज जो है। तो यही पांच खुशबू सुन के देखो। हाँ एक शायद यहाँ से खुशबू आ रही है, खुशबू जो है या पूरी यूनिवर्सिटी में फ्री फ्री है, पूरी यूनिवर्सिटी में घुमाई मैन मैन जगह है जो तकरीबन सात आठ। हाँ तो और हॉस्टल है, हॉस्टल पे भी स्टेशन है यूनिवर्सिटी के सामने। अच्छा हमने पढ़ लो आप जाना ऐसी खोए कोई भी माशाल्लाह। ये मेट्रो की शक्ल में है, ट्रंप कहते हैं इसको। पूरी यूनिवर्सिटी में इससे फ्री सर्विस है इसके ना, एक इहाते से दूसरे इहाते में जाने के लिए तलबा इसका इस्तेमाल करते हैं, एक इहाते से दूसरे इहाते में, जैसे लाइब्रेरी से तरस गाँव में जाना है, कहीं जाना है या हॉस्टल में जाना है तो इसका फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लाइब्रेरी है एजुकेशन सिटी कतर की, इसमें बता रहे हैं कि तकरीबन 10 लाख किताबें हैं माशाल्लाह। अभी अंदर से आपको दिखाएंगे। माशाल्लाह ये लाइब्रेरी है, हाँ फलस्तीन की किताब है। अच्छा फलस्तीन की किताब है, इसमें मिल जाएंगी। ये मंजिल है पूरी, एक मंजिल तो यह है फर्स्ट फ्लोर, फिर ऐसे नीचे है, ये पूरा बना हुआ है यहाँ पे माशाल्लाह। यहाँ से किताब लेने का तरीका ये है कि आप जब किताब लेंगे तो 20 दिन के लिए किताब ले सकते हैं, और ये कार्ड बनता है उसमें फिर आप ला कर जमा कर सकते हैं बाहर।
मखतूत मुसहफ अल-कुरान करीम, ये भी लिखा ही है पहले सफ़ा। नौ सौ और हज़ार में से अब चौदह सौ चल रही है, चौदह सौ छियालीस चल रही है। हाँ जी चौदह सौ छियालीस, तो जब हम हज़ार में हो गए हैं वो टाइम के कुरान हकीम, यानी कि कितने साल पहले, ये तकरीबन चौदह सौ है अभी, चौदह सौ छियालीस तकरीबन हज़ार में अलग कर दिया, तो चार साल, चार सौ पैंतालीस साल पहले, चार सौ पैंतालीस साल पहले लिखी है, लिखने वाले हिंदुस्तान में लिखी गई है, हिंदुस्तान है, शुभ कारुल हिंदी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। 1920 की है, गिलाफ की पट्टी, 1880, बहुत पुरानी है भाई, 1880 की है, जब काबा की शक्ल ऐसी ही, हाँ उसमें से जब वो शक्ल ही वहाँ में वक्त टुकड़ा आई जो ये यहाँ लग रहा हो फिलहाल, ये टुकड़ा है, ये दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए इंशाअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।